नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लाया हूं कक्षा 10वीं का गणित जो ट्रायग्नोमेट्री से है। आप सब वीडियो बने रहे क्योंकि बोर्ड के दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम सब प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री माइनस टैन 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री का मान है। ए में दिया है 1, बी में माइनस 1, सी में 0, डी में कोई नहीं। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस वीडियो में बने रहें। इसे हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा 72 डिग्री माइनस टैन 65 डिग्री अपॉन कॉट 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। आप सबको पता होगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस कितना होता है, बराबर कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं इसको साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस बदलेगा आपका साइन में, 90 डिग्री में से 72 डिग्री घट जाएगा आपका बचेगा 18 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा टैन 65 डिग्री, कॉट बदलेगा टैन में, 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटाइएगा आपका बचेगा 65 डिग्री। आप यहां से अंश बटा हार काट सकते हैं आपका बचेगा 1 माइनस 1 आपका हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आप समझ पाए? तो ऐसे प्रश्नों को आप बनाते चलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2021 के लिए। हम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साइन 61 डिग्री अपॉन साइन 29 डिग्री का मान है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे साइन 61 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री। आप लिखेंगे साइन 61 डिग्री अपॉन साइन बदलेगा कॉस में, 90 डिग्री में से 29 डिग्री घटेगा आपका हो जाएगा 61 डिग्री। तो यहां से साइन बटा कॉस है, आप लिख सकते हैं टैन 61 डिग्री हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री का मान है। तो इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं आप 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। यहां से लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस आपका साइन स्क्वायर बदलेगा कॉस स्क्वायर में, 90 डिग्री में से 47 डिग्री घटाइएगा आपका बचेगा 43 डिग्री। आपका इधर प्लस में इधर माइनस में काट सकते हैं, आपका रिजल्ट बचेगा 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ए में दिया है साइन स्क्वायर ए, बी में कॉस स्क्वायर ए, सी में कॉसेक स्क्वायर ए, डी में कॉट स्क्वायर ए। तो आपको यदि सूत्र याद है तो आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइन 30 डिग्री इक्वल टू 8। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री का मान है। तो इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि कक्षा 10वीं में ट्रायग्नोमेट्री से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 10 आपको लिखित के लिए आएंगे। तो आप सबको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर 55 डिग्री, साइन स्क्वायर बदलेगा आपका कॉस स्क्वायर में, आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 90 डिग्री में से 35 डिग्री उठाइएगा आपका बचेगा 55 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, आपका हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस इंटू ए माइनस 26 डिग्री जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a बराबर वाट अर्थात a का मान निकालना है। तो इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस वीडियो में बने रहें। कह रहा है 3a एक न्यून कोण है, 3a क्या है न्यून कोण है। तो आप इस प्रश्न को मन में ही बना सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। साइन बदलेगा आपका कॉस में,
आपका 3a न्यून कोण है, आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका cos a माइनस 26 डिग्री। आप यहाँ से cos cos बराबर में काट सकते हैं, आपका बचेगा 90 डिग्री माइनस में है तो आपका हो जाएगा 26 डिग्री प्लस में बराबर a आपका है माइनस 3a, पलट के जाएगा आपका हो जाएगा प्लस 3a। उसके बाद आप लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री 4a। आप यहां से काट सकते हैं, आपका बचेगा 29 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टैन 5 डिग्री इंटू टैन 13 डिग्री इंटू टैन 77 डिग्री इंटू टैन 85 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, अर्थात हमें इसको हल करना है और ऑप्शन दिया हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम में वैसे भी आपको चार ऑप्शन दिए रहेगा, आपको सॉल्व करना है अर्थात पीछे बैक साइड में रफ करना है और रफ करके ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टैन 5 डिग्री इंटू टैन 13 डिग्री इंटू टैन 77 डिग्री इंटू टैन 85 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, तो इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हल करते हैं, लिखेंगे हम लोग टैन 5 डिग्री इंटू टैन 13 डिग्री, आपका आगे दिया हुआ है टैन, लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री इंटू टैन, आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, आपका हो जाएगा आगे टैन 5 डिग्री इंटू टैन 13 डिग्री इंटू टैन बदलेगा आपका कोट में, 90 में 77 घटाइएगा आपका बचेगा 13 डिग्री इंटू टैन बदलेगा कोट में, 90 डिग्री में से 85 डिग्री घटाइएगा आपका बचेगा 5 डिग्री। तो यहाँ से टैन इंटू कोट का मान 1, टैन इंटू कोट का मान 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, आइए इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। साइन 20 डिग्री इंटू साइन आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू आप लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका 70 डिग्री। आप यहां से देख रहे हैं आपका बचेगा साइन 20 डिग्री इंटू साइन बदलेगा आपका कॉस में, 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटेगा आपका बचेगा 20 डिग्री माइनस कॉस हो जाएगा आपका 20 डिग्री इंटू कॉस बदलेगा आपका साइन में, 90 में 70 घटाइएगा आपका बचेगा 20 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आप इसे काट सकते हैं, आपका रिजल्ट बचेगा 0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 5 साइन 28 डिग्री अपॉन कॉस 62 डिग्री प्लस 2 कॉस 51 डिग्री अपॉन साइन 39 डिग्री माइनस 7 साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री का मान है, तो ऐसे प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे हम लोग 5 साइन 28 डिग्री अपॉन आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री प्लस 2 कॉस आपका हो जाएगा 51 डिग्री अपॉन आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री माइनस 7 साइन 40 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहां से आप यहां से काट सकते हैं, आपका बचेगा 5 प्लस 2 माइनस 7 आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 7 आपका बचेगा 0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टैन ए इज इक्वल टू व्हाट, तो टैन ए इज इक्वल टू होता है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, यानी टैन 30 डिग्री का मान बताना है, तो टैन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, यदि cos 40 डिग्री इज इक्वल टू p तब sin 40 डिग्री का मान p के पदों में व्यक्त करें। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस वीडियो में बने रहें। इसे लिखेंगे हम लोग cos 40 डिग्री इज इक्वल टू p, यानी cos 40 डिग्री का मान दिया हुआ है p, तो आगे दिया है sin 40 डिग्री। आप सभी को पता होगा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है रूट में 1 माइनस cos² थीटा। यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस cos² और थीटा के स्थान पर दिया है 40 डिग्री, आपका हो जाएगा 40 डिग्री। आप यहाँ से देख पा रहे हैं cos 40 डिग्री का मान दिया हुआ है p, तो यहाँ से बैठ सकता है, आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 40 डिग्री का मान पी है, यहाँ स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आप समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, यदि cos 55 डिग्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तब sin 55 डिग्री का मान एक्स के पदों में व्यक्त करें। तो आइए इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस वीडियो में बने रहें। आप लिख सकते हैं cos 55 डिग्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी cos 55 डिग्री का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। आगे दिया है आपका sin 55 डिग्री, आप लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस cos² थीटा, आपका हो जाएगा 1 माइनस cos² और थीटा के स्थान पर दिया है 55 डिग्री। आप देख पा रहे हैं cos 55 डिग्री का मान दिया है एक्स स्क्वायर, आप यहाँ बैठाएंगे आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 55 डिग्री का मान एक्स स्क्वायर के पावर 2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा रूट में 1 माइनस x के पावर 4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, यदि साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू ए तब cos 50 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त करें। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस वीडियो में बने रहें। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका ए, आगे दिया हुआ है cos 50 डिग्री। आप जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू होता है रूट में 1 माइनस sin² थीटा। आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin² और थीटा के स्थान पर दिया है आपका 50 डिग्री, आपका हो जाएगा 1 माइनस। आप देख रहे हैं साइन 50 डिग्री का मान ए दिया है, साइन 50 डिग्री की जगह आप बैठाएंगे ए, आपका स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, रूट 2 into sin 22 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री। तो आइए इसे हल करते हैं। लिखेंगे हम लोग रूट 2 into sin 22 डिग्री अपॉन आपका हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा 68 डिग्री। आप यहां से साइन 22 डिग्री अपॉन कॉस बदलेगा आपका साइन में, 90 डिग्री में से आप घटाएंगे 68 डिग्री, आपका बचेगा 22 डिग्री, तो यहां से बदलेगा साइन 22 डिग्री, यहां से आप अंश बटा हर काट सकते हैं, आपका बचेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, रूट 3 into cos 65 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री। तो इसे भी आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग रूट 3 into आपका है cos 65 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका sin 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। यहां से आप अंश बटा हर काट सकते हैं क्योंकि sin बदलेगा cos में और 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटेगा तो आपका बचेगा 65 डिग्री। तो cos 65 डिग्री अपॉन cos 65 डिग्री काट सकते हैं, आपका बचेगा रूट 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, tan 80 डिग्री अपॉन cot 10 डिग्री। तो इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे tan 80 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका cot 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, आपका बराबर हो जाएगा tan 80 डिग्री अपॉन cot बदलेगा tan में, आपका 90 डिग्री में से 10 डिग्री घटेगा बचेगा आपका 80 डिग्री, आप अंश बटा काट सकते हैं, आपका बचेगा 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, 9 sec² a - 9 tan² a इक्वल टू व्हाट। 9 कॉमन लेंगे आपका बचेगा 9 गुणे 1 यानी बराबर 9, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
आज क्लास आप सभी छात्रों को कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप सब लिखते हैं कुछ ना कुछ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आप सभी का कमेंट बॉक्स अवश्य पढ़ता हूँ। आज हमारा क्लास था 1 सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से, और हम क्लास दूसरे में भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रश्न लेकर। और आप सब वीडियो को पूरा पूरा देखें एवं नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप सबका तैयारी नहीं हो पाएगी। आप सबको आज का क्लास कैसा लगा है ट्रिग्नोमेट्री का कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दूसरे दोस्त का भी हेल्प हो सके। आप सब वीडियो को शेयर अवश्य